नीट पेपर लीक और धांधली के खिलाफ भिवानी में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। नीट रिजल्ट में हुई गड़बड़ी ने लाखों बच्चों का भरोसा तोड़ा, आप जिला अध्यक्ष गीता श्योरान लाखलान। भाजपा सरकार ने देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पर भी सवालिया निशान लगाए, आप जिला अध्यक्ष। बिहार में प्रश्न पत्र के लिए छात्रों से 30 से 50 लाख रुपए लिए गए, गीता श्योरान लाखलान। केंद्र सरकार इतने बड़े भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश कर रही, गीता श्योरान लाखलान। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नीट परीक्षा में हुए घोटाले की जांच कराई जाए, गीता श्योरान लाखलान। भिवानी में आम आदमी पार्टी भिवानी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष गीता श्योरान लाखलान के नेतृत्व में नीट पेपर लीक व धांधली के खिलाफ प्रदर्शन किया और भिवानी के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग की। सबसे पहले तो मीडिया के बंधुओं को, सभी श्रोतागण को आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष गीता श्योरान की तरफ से हाथ जोड़ करके नमस्कार। आज ये जो प्रोटेस्ट किया गया है, आम आदमी पार्टी ने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर शांतिपूर्वक नीट का जो एग्ज़ाम लीक हुआ है उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बड़ी चिंता का विषय है कि आज हमारे पूरे देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले छाती ठोक के ये कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे। आज जो नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ है इसको देख करके हमें महसूस होता है कि कितनी अच्छे तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलने का कार्य करते हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खेलने का काम करते हैं। और सिर्फ युवाओं के भविष्य के साथ ही नहीं, उनके अभिभावक जो काफ़ी मेहनत और संघर्ष के बाद खेती करके, दिहाड़ी मजदूरी करके, पशुपालन करके, दूध घी बेच के बच्चों को पढ़ाते हैं, इस लायक बनाते हैं कि नीट के एग्ज़ाम को पास करके अपना भविष्य बनाएं, और यहां आकर के फिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जाती है, बड़ा चिंता का विषय है। यहाँ तक कि जो भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र जी, शिक्षा पर ध्यान न दे करके अभी पीछे लोकसभा के चुनाव प्रचार में उन्होंने समय दिया, तो मेरी शिक्षा मंत्री से भी यही रिक्वेस्ट है कि चुनाव प्रचार की बजाय अगर शिक्षा पर ध्यान देते तो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ आज खिलवाड़ नहीं की जाती। आज ये विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक रहेगा, नेहरू पार्क से और घंटाघर तक करेंगे। हाँ, ज्ञापन भी दिया जाएगा। ज्ञापन है किसके नाम, किसको दिया जाएगा ज्ञापन? बस यही कि शांतिपूर्वक युवाओं के रोजगार को लेकर के आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया और युवाओं के आवाज़ उठाने का कार्य किया, और रोजगार पर सरकार को थोड़ा सा गहनता से सोचना चाहिए, इसी मामले में ज्ञापन देंगे। नमस्कार जी, सबसे पहले तो आपके श्रोताओं को नमस्कार। मेरा नाम कुलदीप सिंह, पूरे विधानसभा प्रत्याशी भिवानी विधानसभा। आज नीट के एग्ज़ाम को लेके जो पूरे देश के अंदर रोष है, जो केस कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, और जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी थुथु हुई है, और सबसे बड़ी बात तो ये कोई भी इस तरह का मैटर आता है हिंदुस्तान के अंदर एग्ज़ाम से संबंधित, नौकरियों से संबंधित और पेपर लीक से संबंधित, उसकी शुरुआत गुजरात स्टेट से होती है। इसके तथ्य हैं, आप गूगल पे भी ये चीज़ें सर्च कर सकते हो, कोर्ट के फैसलों को भी, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी, और हाई कोर्ट के फैसलों में भी ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसा क्या कि मतलब हर गुनहगार, हर धांधली गुजरात से जुड़ती है क्या? मतलब देश के ऊपर, मतलब हमने ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी को इसी के लिए बिठाया था कि हमारी जो है शिक्षा तंत्र को ध्वस्त कर दें क्या? इसी के लिए मतलब जो है स्टूडेंट ने, युवाओं ने बार बार उसके ऊपर विश्वास करके कि चलो की बार तो हमारी सुनवाई होगी, क्योंकि 2 करोड़ की जो ना आश्वासन दे रखा था नौकरियों का माननीय प्रधानमंत्री जी ने। आगे का देखो जी, हम कोई बड़ा फैसला लेंगे अगर हमारी सुनवाई होगी सेंट्रल गवर्नमेंट ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, अगर मान लो सही फैसला दे दिया तो सही है, नहीं तो हमारी पार्टी फिर बड़ा फैसला लेंगे।